नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि इस टॉपिक से संबंधित हम लोग प्री परीक्षा में संभावित प्रश्न को भी देखेंगे और साथ ही साथ में इस टॉपिक से आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी और साथ ही साथ में अन्य राज्य सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न संभावित हो सकते हैं, अर्थात बन सकते हैं, उनको भी हम लोग दरअसल डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। ये आपकी परीक्षा के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो परिवार दिवस है, ये आप इस टॉपिक को अपने सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के किस टॉपिक से या किस पेपर से कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि लिखा है इसमें, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, यानी कि जो आपका जीएस पेपर फर्स्ट है, इसमें से जो इंडियन सोसाइटी का, यानी कि जो भारतीय समाज का जो टॉपिक है, यहां से आप इस टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में सामान्य अध्ययन फोर, अर्थात जो आपका इथिक्स वाला जो पेपर है, वहां पर भी आप इस टॉपिक को क्या कहते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, अर्थात इथिक्स में जो है क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। अब आइए देखते हैं हम लोग डिटेल्स में कि इसमें क्या कुछ आपको समझना और पढ़ना है। सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया कब जाता है, जो कि एग्जाम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो तुरंत आपको आंसर देना है, कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य है, जो इसका जो कारण है, बेसिकली पारिवारिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से भौतिकतावादी जो चीजें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से चीजें डिसबैलेंस हो रही है, ऐसी स्थिति में परिवारों का विघटन जो है, यानी कि परिवार बहुत तेजी के साथ टूट रहे हैं। जो परिवार पहले ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, वो आज एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं और एकल परिवार होने से बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्तमान समय में भौतिकतावादी विकास के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो है समाज, जो मिश्रित परिवार था, वो एकल परिवार की तरफ बढ़ रहा है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो परिवार की भूमिका बहुत होती है और इसीलिए पारिवारिक एकता को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो मूल्य सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। जो वैल्यूज हमारी आती है, कहां से आती हैं? परिवार से आती हैं। और जब संयुक्त परिवार होता है तो वहां पर संयुक्त परिवार में दादी होते हैं, दादाजी होते हैं, अन्य सगे संबंधी होते हैं, आपके ताऊजी ताईजी लोग होते हैं। एक जब मिश्रित परिवार होता है तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार होता है, तो कई जब मेंबर्स होंगे तो वहां पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दादी के माध्यम से, अपनी माँ के माध्यम से चीजों को बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं, अर्थात उनके भीतर मूल्यों का समावेशन होता है, मूल्य उनके अंदर विकसित किए जाते हैं। और अगर यही चीज एकल परिवार में है तो पता चलता है कि पेरेंट्स जो है ऑफिस चले गए हैं, घर में कोई नहीं है, बच्चे को देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, वो उन्हें देख रहा है, ठीक है, यानी कि केयर जो करती है वो लेडीज है वहां पर। तो ऐसे में क्या होगा कि जब सिर्फ दो ही लोग होंगे, अखिल माता पिता और बच्चा घर में होगा, यानी कि एकल परिवार जब होगा, तो बच्चों में सदाचार का गुण, नैतिकता का गुण और मूल्यों का गुण, वैल्यूज जो होती हैं, वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है कि हम लोग परिवार में प्यार सौहार्द के भाव से रहें और एकल परिवार की ओर ना बढ़े। एकल परिवार से बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सोशियोलॉजी में भी, यानी कि समाजशास्त्र में भी, आप जो है परिवार वाले चैप्टर को बड़ी भली भांति समझते होंगे और किन किन थिंकर्स ने परिवार के बारे में, समाज के बारे में जो है क्या क्या अपनी व्याख्या दी है, उसको भी आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र में भी आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा अगर नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते होंगे। इसके अलावा अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए कि यार इस वर्ष यानी कि 2024 की अंतरराष्ट्रीय परिवार जो दिवस है उसकी थीम क्या है, तो थीम है जलवायु परिवर्तन और परिवार। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और परिवार। अब इसी थीम से आपकी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। टॉपिक क्या है, यानी कि थीम क्या है, जलवायु परिवर्तन और परिवार, अर्थात जलवायु परिवर्तन आपको समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। तो डिटेल्स में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन आप चूंकि आप जानते होंगे, तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कृषि व्यवस्था क्या हो रही है आपकी, जो है बहुत उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, अर्थात उसकी जो उत्पादक क्षमता है, क्या हो रही है, डाउन हो रही है। मानसून क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, ऋतुएं सही से नहीं हो पा रही हैं, चल पा रही हैं। ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो रही है, वो कमजोर हो रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जो परिवार के जो सदस्य होते हैं, जिनके ऊपर परिवार का जिम्मा होता है, ऐसे लोग परिवार को छोड़ करके बाहर कार्य करने जाते हैं। उससे क्या होता है कि परिवार कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस चीजें होती हैं। साथ ही साथ में लोग पलायन भी करते हैं, माइग्रेट भी कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है वो क्या होती है, कमजोर होने लगती है। वो वहां पर जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहां पर हमारी कृषि अच्छी हो सकती है, जहां पर हमें पैसा मिल सकता है। तो जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारकों में है कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन परिवार को विघटित कर सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो थीम है ना, ये सीधा सीधा आपके एसे में भी पूछ सकता है, यानी कि यही टॉपिक सीधा यही थीम ही लिख देगा, जलवायु परिवर्तन और परिवार। ये टॉपिक एसे का बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको फिर जलवायु परिवर्तन और परिवार के बीच में क्या कुछ संबंध होता है, जी आपको वहां पर डिटेल्स में आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करते हैं कि किसके द्वारा यह मनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इस पर प्रस्ताव पेश किया गया था, और बाद में फिर जो है इसको 1994 यानी कि वर्ष 1994 में पहली बार इसको मनाए जाने की बात जो हुई थी वो हुई, यानी कि 1994 में इसे पहली बार मनाया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, और वर्ष 1989 यानी कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिवार के महत्व पर, ठीक है, यानी कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके महत्व पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पेश किया गया। और फिर उसके बाद 1994 में यानी कि वर्ष 1994 में इसे पहली बार मनाया गया। तो परिवार की भूमिका बहुत होती है, ठीक है। अगर आज एकल परिवार बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इसको आपको समझना है। और जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है, भारतीय समाज के बारे में आपको पढ़ना है, वहां पर आप इस टॉपिक को कोरिलेट करिएगा कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की वजह से, किस प्रकार से अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया से, किस प्रकार औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से, औद्योगिकरण जो जितना हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना हो रहा है, लोग उसके लिए यानी कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के रहते हैं, वहां पर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि छोटे से कमरे में लोग रहते हैं, पूरे परिवार को साथ में नहीं रख सकते हैं, तो या तो सिंगल रहेंगे या पत्नी के साथ रहेंगे, तो वहां पर भी परिवार विघटित होता है। तो कई कुछ कारण हैं परिवार के विघटन के लिए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को उसको मनाने की घोषणा की और लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस प्रकार से पारिवारिक एकता न सिर्फ आपके हित के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक एकता समरसता के लिए भी परिवार का जुड़े रहना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, परिवार जो है परिवारों से ही मूल्य विकसित होते हैं, और जब आपके भीतर मूल्य विकसित हो जाएंगे तो एक सभ्य समाज और एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधे तौर पर हम लोग आते हैं टॉपिक पर, यानी कि अगर प्रीलिम्स में इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। आपको तुरंत उत्तर देना है, क्या कब मनाया जाता है, इसका दरअसल आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जा करके। बहुत ही आसान है, तुरंत इसका कमेंट में आप जाकर के उत्तर दीजिएगा। तो एक प्रश्न तो आपका यह बन गया। दूसरा इसमें प्रश्न बन सकता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 की थीम क्या है, ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है, ठीक। और यह दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस को प्रथम बार कब मनाया गया था, तो 1994, ठीक, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न में बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस को किन्होंने या किस संस्था द्वारा मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 4-5 प्रश्न आपसे प्री में इससे जो है पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो है मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है इस टॉपिक से, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्तमान समय में जहां एक ओर समाज प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख है, यानी कि डेवलप कर रहा है, यानी कि प्रगतिशील है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आगे, तो वहीं दूसरी ओर पारिवारिक विघटन के साथ ही एकल परिवार की समस्या उभरी है, यानी कि परिवार विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, और एकल परिवार की ओर समाज बढ़ रहा है, जो संयुक्त परिवार की जो परिपाटी थी वो टूट रही है। तो क्या कारण है कि जो है जहां एक ओर समाज प्रगतिशील तो है लेकिन दूसरी ओर परिवार टूट रहे हैं, और परिवार को टूटने से क्या हो रहा है,
कि जो संयुक्त परिवार की जो परिपाटी थी वो टूट रही है, लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, समस्या सामने उभरी है। इस समस्या के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके निदान हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यानी कि इसका आपको कारण बताना है, रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको देना है, अर्थात इसका निदान भी आपको बताना है। यही प्रश्न आपसे कह रहा है, ठीक है। दूसरा, ये जीएस पेपर फर्स्ट में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, ये यूनिट ये जीएस फोर में क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका जो है, मूल्य निश्चित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, एथिक्स में ये आपका टॉपिक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका सीधे तौर पर एथिक्स वाले पेपर में टॉपिक ही दिया है, और एथिक्स वाले में यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस प्रकार से परिवार के माध्यम से मूल्यों को विकसित किया सकता है। तो ये दो प्रश्न जो मैंने मुख्य परीक्षा के दिए हैं, इसका उत्तर आप खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो प्रश्न आज मैंने आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो ये आर्टिकल था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल हम लोग ध्यान रखिएगा कि एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, देखना मत भूलिएगा। योजना जो आपकी चल रही थी अप्रैल माह की, उसमें से हम लोग ब्लू इकोनॉमी को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कल मिलेंगे एक आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।